हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में। यह टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट को कब और क्यों कराया जाता है, इस टेस्ट को कराने से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, कराने से पहले इस टेस्ट को क्या क्या और किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलर डॉपलर से रिलेटेड हम लोग आज जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम जानते हैं कि कलर डॉपलर यूएसजी होता क्या है। तो कलर डॉपलर यूएसजी एक विशेष तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव की सहायता से हम बॉडी में आर्टरीज और वेन में जो ब्लड फ्लो हो रही है उसको आसानी से देख सकते हैं। तो इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत जगह पे है। डॉक्टर को अगर कभी भी लगता है कि आर्टरीज या वेन में कहीं भी किसी तरह का ब्लॉकेज हो रहा है या फिर उसकी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर आपको ये एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ प्रेगनेंसी में होने वाले कलर डॉपलर यूएसजी के बारे में बात करेंगे। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि बेबी जो है वो माँ के यूट्रस में प्लेसेंटा से एक अम्बिलाइकल कार्ड के थ्रू जुड़ा होता है। इस अम्बिलाइकल कार्ड में तीन नलियाँ होती हैं, एक अम्बिलाइकल वेन होता है और दो अम्बिलाइकल आर्टरी होती है। अम्बिलाइकल वेन जो होता है इसके थ्रू मदर से बेबी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जाते हैं, और बेबी का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो अम्बिलाइकल आर्टरी के थ्रू मदर में आता है। ये जो सारा काम होता है ये ब्लड के थ्रू होता है। तो अगर प्लेसेंटा में कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चे के ब्लड फ्लो में परेशानी होगी, बच्चे का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, क्योंकि एक बच्चे के अच्छी ग्रोथ के लिए उसका अच्छे से ब्लड फ्लो मिलना, उसको ऑक्सीजन मिलना और उसको न्यूट्रिएंट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही जो ब्लड फ्लो है बेबी में ये सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसी जांच को करने के लिए कलर डॉपलर यूएसजी एडवाइस किया जाता है। यह अल्ट्रासाउंड किया कैसे जाता है, तो इसको करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। एक सिंपल सा पेनलेस प्रोसीजर है और इसमें आधे से एक घंटे का समय लग सकता है। इस टेस्ट को कराने से आपके बेबी को भी कोई हार्म नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का रेडिएशन यूज नहीं किया जाता है। कलर डॉपलर यूएसजी में बच्चे में चल रहे ब्लड फ्लो के अलावा बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है, बच्चे का ग्रोथ कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। तो ये जो कलर डॉपलर यूएसजी है इसमें मेनली चार जगह के ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है। पहला जो ब्लड फ्लो चेक किया जाता है वो है अम्बिलाइकल कार्ड का ब्लड फ्लो। इसमें देखा जाता है कि प्लेसेंटा से अम्बिलाइकल कार्ड तक जो भी ब्लड फ्लो हो रहे हैं वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर बेबी में किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, कोई परेशानी होगी, तो इसका सीधा सीधा असर जो है वो अम्बिलाइकल आर्टरी पे पड़ता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे में प्रॉब्लम बढ़ती है आपके अम्बिलाइकल आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस होने लगता है, रुकावट आने लगती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट हैं जिनमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है इनको रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ती है तो जो ब्लड फ्लो है कुछ कुछ केसेस में अब्सेंट होने लगता है और कभी कभी तो रिवर्सल फ्लो आने लगता है। रिवर्सल फ्लो आने का मतलब है कि बच्चे की जान को खतरा है और इमरजेंसी में तुरंत बच्चे को निकालने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं वो है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का ब्लड फ्लो कैसा है। इसमें बच्चे के ब्रेन में होने वाले ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। इसको ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट कहते हैं। यह बेबी में होने वाले प्रॉब्लम को बताता है और ऐसे केस में भी इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ जो हम लोग चेक करते हैं वो है डक्टस वेनोसस का ब्लड फ्लो। इसमें बच्चे के हार्ट में जाने वाले ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है। अगर ये ब्लड फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है यानी आगे की तरफ जा रहा है तब ठीक है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्लड फ्लो अब्सेंट है या फिर रिवर्सल फ्लो आ रहा है, ऐसे केस में बच्चे के इंट्रायूटराइन डेथ यानी गर्भाशय में ही डेथ होने की चांसेस बढ़ जाती है। यह एक तरह की इमरजेंसी है और बच्चे को तुरंत निकालने की ज़रूरत होती है। चौथी जो चीज़ देखते हैं वो है यूट्राइन आर्टरी का ब्लड फ्लो, कि आपके यूट्रस में जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से जा रहा है या नहीं जा रहा है। इन सारी चीज़ों की मदद से हम बच्चे की ग्रोथ में हो रही कमी और उससे बच्चे पे पड़ने वाले असर को आसानी से पता लगा सकते हैं और बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं और बच्चे की डिलीवरी का सही समय और सही तरीका डिसाइड कर सकते हैं।
इस टेस्ट को कराने का सही समय क्या है? पिछले कुछ सालों में यह टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और डॉक्टर रूटीनली इसको एडवाइज करते हैं। डॉक्टर इसको 34 वीक के बाद एडवाइज करते हैं कि अगर बेबी की ग्रोथ में कोई कमी लग रही है या फिर ब्लड फ्लो में कोई रुकावट लग रही है तो उसका ट्रीटमेंट सही समय पर प्लान कर सकें। लेकिन अगर कोई हाई रिस्क केस है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, और या फिर किसी पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज है, कोलेस्टेसिस है, बहुत कम वेट है, तो ऐसे केस में डॉक्टर जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही कलर डॉक्टर आपको एडवाइज कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर यह पता लगा पाए कि मदर में होने वाली परेशानी की वजह से बच्चे में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और अगर इस तरह की कोई परेशानी हो रही है तो उसको सही समय पर पता लगाया जा सके और उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके। जुड़वा बच्चों के केस में कलर डॉपलर यूएसजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम जो जुड़वा बच्चों में देखने को मिलता है, कलर डॉपलर की मदद से आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब लोगों को लगता है कि अल्ट्रासाउंड तो अल्ट्रासाउंड है, तो नॉर्मल यूएसजी और कलर डॉपलर यूएसजी में क्या अंतर है? नॉर्मल यूएसजी में हम सिर्फ बच्चे के ग्रोथ का और उसके चारों तरफ जो पानी है उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कलर डॉपलर यूएसजी में बच्चे के ग्रोथ को, उसके अराउंड जो अम्बिलिकल फ्लूड है उसको, उसके साथ साथ बच्चे का ब्लड फ्लो अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर बच्चे के गले के अराउंड कोई कार्ड है, इसको भी आसानी से पता लगा सकते हैं। तो यह टेस्ट काफ़ी अलग है नॉर्मल यूएसजी से और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस टेस्ट को कराने में चार्जेस कितने लगते हैं? तो अलग अलग जगहों पे भी डिपेंड करता है और रेडियोलॉजी सेंटर पे भी डिपेंड करता है कि इसके कितने चार्जेस हैं। छोटे शहरों में कम चार्जेस होते हैं, बड़े शहरों में इसके जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं। फिर भी ये महंगी जांच है, 2000 से लेके 6 से 7 हज़ार इस टेस्ट में लग जाता है। तो कलर डॉपलर से संबंधित जितनी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर इसके अलावा भी लगता है कि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।